नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सैयद हबीब। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को भेजा दूसरा सम्मन, इससे पहले 4 फरवरी को भेजा था सम्मन। बीकानेर के पूर्व राज परिवार की अंतिम महारानी और राजमाता सुशीला कुमारी का निधन, जूनागढ़ में दर्शन, कल होगा अंतिम संस्कार। वीरांगनाओं की मांगों पर सियासत जारी, किरोड़ी पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भाजपा करेगी प्रदर्शन। सचिन पायलट भी बोले, वीरांगनाओं की बात सुनी जानी चाहिए थी। जोधपुर में नाबालिग का अपहरण कर 45 साल के उम्रदराज से करवाई शादी, पुलिस ने बच्चों को किया डिटेन, परिजनों के 5 लाख रुपए लेने की बात भी सामने आई। जोधपुर में पुलिस अफसरों से दोस्ती का झांसा देकर बाप बेटे ने ठगे 18.5 लाख रुपए, पुलिस ने बेटे को पकड़ा, बाप फरार। कोटा में पुलिस ने चलाया बदमाशों के खिलाफ अभियान, 75 टीमों ने एक ही दिन में 275 बदमाशों के खिलाफ की कार्रवाई। बीबीसी डॉक्यूमेंट मामले में गुजरात विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर बीबीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का किया अनुरोध। भारत की मिसाइल गलती से अपने क्षेत्र में फायर होने के मामले में पाकिस्तान ने की संयुक्त जांच की मांग। पीएम मोदी 12 मार्च को करेंगे कर्नाटक में रोड शो, कर्नाटक में आईआईटी का भी करेंगे उद्घाटन। लालू यादव के समधी के घर चलिए 16 घंटे रेड, 3 बॉक्स में दस्तावेज ले गई ईडी। ईरान और सऊदी अरब के बीच कूटनीतिक रिश्ते बहाल होने के फैसले का पाकिस्तान और यूएन ने किया स्वागत। कैलिफोर्निया में आया ऐतिहासिक बर्फीला तूफान, 13 की मौत। अमेरिका और यूरोप के बाद बेल्जियम की सरकार ने भी सरकारी फोन में टिकटॉक पर लगाई रोक। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने अश्विन। महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 10 विकेट से हराया। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Google Play Store पर जाकर हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com को लॉगिन कीजिए। धन्यवाद।